अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एवरीडे फूड विद आयशा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लोटस बिस्कॉफ डिज़र्ट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो में जाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को भी टच करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 15 से 20 लोटस बिस्किट्स। इसको हम क्रम्बल कर लेंगे। ये देखिए, बिस्किट्स हमारे अच्छे से क्रम्बल हो गए हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन बिस्किट्स का आधा पोर्शन हम ग्राइंडर में ले लेंगे और इसे हम तैयार करेंगे लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड। इसे आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर 2 टीस्पून, एवोपरेटेड मिल्क 1/4 कप, यहाँ पर आप फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। नींबू का रस हमें चाहिए 4 से 5 ड्रॉप्स, 1 क्यूब बटर का, और फाइनली हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी सिनेमन पाउडर। पीस लेंगे इसे भी। ये देखिए कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड बनकर तैयार हो गया। बाज़ार में जो हमें लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड मिलता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। आप इन चंद इंग्रेडिएंट से इसे घर पर भी बना सकते हैं, टेस्ट में बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम तैयार करते हैं हमारा चीज़ का मिक्सचर। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 क्रीम चीज़ के ट्राइंगल्स ले लिए हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम, 1 टीस्पून कंडेंस मिल्क, 1 टीस्पून लोटस बिस्किट्स के क्रम्स और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। यहाँ पर मैंने फोक का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो विस्क या फिर इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा स्मूथ क्रीमी चीज़ मिक्सचर बनकर तैयार है। ब्रेड क्रम्स भी तैयार हैं, चीज़ मिक्सचर भी तैयार है और लोटस स्प्रेड भी तैयार है। अब हम इसे असेंबल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बाउल ले लिए हैं। हर बाउल के बॉटम में हम सबसे पहले बिस्किट के क्रम्स डालेंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर लें। इसके ऊपर हम हमारा चीज़ का मिक्सचर डालेंगे। चीज़ के मिक्सचर को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। इसके बाद हम इस पर डालेंगे लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड। ये देखिए फाइनली हमारा लोटस बिस्कॉफ डिज़र्ट बनकर तैयार है। इसे हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से बिस्किट क्रम्स और बिस्किट के साथ। तो आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। बहुत ही यमी ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। आप भी ट्राई करिए इस रेसिपी को, ख़ास करके बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में ऐसी किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।